तो सर आप ये समझाइए कि FPO काम कैसे करता है। मान लो इसमें भी पद होते हैं क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत, जैसे कंपनी में CEO होता है, आगे और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और जो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वैसे तो हमारे यहाँ तो सहमति से ही सब बने हैं, जैसे प्रेसिडेंट आप बनाओगे किसी को एक को, तो सहमति से बना सकते हो या वोटिंग से बना सकते हो, जिसकी तरफ ज्यादा वोट होंगी। हमारा तो सहमति से ही शुरू से ही सहमति से काम हुआ है। तो उसमें आप एक CEO रखोगे, एक आप अकाउंटेंट रखोगे, और एक सेक्रेटरी रखोगे, एक वाइस प्रेसिडेंट रखोगे, बाकी तो रल मिल के काम तो चलता ही रहता है। तो आप सर, आप CEO हो या आपका क्या पद है? मैं प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट हो, ठीक है जी। तो ये जैसे आपने अकाउंटेंट का भी नाम लिया, तो एक ही बैंक अकाउंट होता है सभी फार्मर्स का, फर्म का ही अकाउंट होता है? फर्म का अकाउंट होता है। जब आपका FPO बनेगा तो उसके अंदर फर्म का, जैसे पहले रजिस्टर होगी फर्म, उसके बाद आपका पैन कार्ड बनेगा, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। और वो कैथल वेजिटेबल FPO का अपना एक अकाउंट है, और वो ये आप प्रेजेंट हो, CEO, उन सब के काम है कि किसकी कितनी खेती है उसके हिसाब से उनको कैसे वो सही तरीके से। ये होता है कि आप पहले तो अपने फार्मर्स की मीटिंग करोगे, एनुअल मीटिंग में देखा जाएगा मैं कितने फार्मर्स हम हैं, और कितने फार्मर्स सब्जी करने वाले हैं, कितने गेहूं करने वाले हैं, कितने उसमें अलग कोई फसल करने वाले हैं। फिर उसको संतुलन के हिसाब से जब आप बिजाई करोगे तो रेट का ज्यादा इशू नहीं रहेगा, और ना ही बेचने का कोई ज्यादा इशू रहेगा। हर एनुअल मीटिंग में डिसाइड करते हो, डाटा लेते हो बेसिकली कि कौन क्या क्या खेती करेगा, आपसे आपको से आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितना, नहीं, कौन क्या क्या करेगा, नहीं कितनी हमें खेती किस चीज की करनी है, कितने किस चीज की। अच्छा, लेकिन हम फिर भी किसान क्या है, जो हमारे हरियाणा के किसान है वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को, फिर भी थोड़ा सा असंतुलन हो जाता है, जैसे आलू ज्यादा लगा दिया या मटर ज्यादा लगा दिया। तो आप बेसिकली उस एनुअल मीटिंग में गाइड करते हो कि हमें इस साल ये चीजें इतनी लगानी चाहिए, ये इतनी लगानी चाहिए। तो और FPO के तहत हमने ना बीज खाद दवाई और कैटल फीड की हमने शॉप भी खोल रखी है। अच्छा जी, सीवन में, जो अपना कस्बा है, सीवन तहसील है, तो उसमें भी जैसे फार्मर्स आते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे भी गाइडनेस चलती है, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, उसको उनको सिखाने का भी मौका मिलता है, सब चलता है वहाँ भी। अगर हम वहाँ बैठे हैं मार्केट में तो हमें पता लगता है कि कौन कितना लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कौन से बीज लगा रहा है, क्या क्या खाद डाल रहा है, क्या क्या दवाइयाँ डाल रहा है, कैसी फसल वो तैयार कर रहा है, तो उससे क्या है उनको गाइड भी मिल जाता है और हमें भी पता लग जाता है कि क्या क्या फील्ड में हो रहा है एक्चुअल तरीके से। तो सर जैसे 1000 फार्मर है लगाओ अपना, एनुअल मीटिंग हुई तो उसमें हमें आइडिया लग गया कि इस बार इतने फार्मर, हम बोलते हैं कि भाई इतना इतना करो, ये हॉर्टिकल्चर में ये चीज़ें करो, बाकी ग्रेन्स में ये चीज़ें करो, तो उसमें भी चलो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, आपके पास रिकॉर्ड होता है कि कुल मिला के ऐसी फसल होएंगी। फिर आगे कैसे होता है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, इनपुट से बात करें, बीज आप प्रोवाइड करते हो, बीज आपको कैसे प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से? बीज जैसे हम कंपनियों की एजेंसियां होती हैं या ट्रेडिंग में भी होता है, बीज प्रोवाइड कराते हैं हम सब्जियों का भी, धान का भी, गेहूं का भी, और जैसे हमारे सब्जियां धान गेहूं होता है ज्यादा, तो और उसमें सीजनली होता है, जैसे कभी आलू का बीज चाहिए, कभी किसी को मटर का चाहिए, कभी बेल वाली सब्जियों का चाहिए, तो उसी हिसाब से बीज प्रोवाइड हम करवाते हैं यहाँ पे। तो आप गवर्नमेंट संस्थाओं से लेते हो या कैसे? नहीं, गवर्नमेंट संस्थाओं से नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थाओं के बीजों को लोग लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका डेमोस्ट्रेशन इतना नहीं हो पाता, या इतना उनका डाटा निकल के नहीं आ पाता, या कभी अभी अच्छे बीज आ गए लेकिन पहले कभी इतने अच्छे बीज नहीं आ पाए थे, और इतनी ऐड भी उनकी नहीं हो पाती है। तो बेसिकली आप जो बता रहे हो कि आपने सीवन पे जो सेटअप किया हुआ है वहीं से सारे, जैसे सब कंपनियां होती हैं वेजिटेबल में या धान में या सीड में कंपनी होती है, वो अपने जो सीड है उनके डेमोन्स्ट्रेशन कराती है, किसानों को देती है डेमो में, फिर उसको जब डेमोन्स्ट्रेशन पास हो जाता है अगले साल, वो और उसके आसपास के किसान उस बीज को लगाते हैं कि यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और इसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उससे क्या ऐड होती है, कंपनी ऐड करती है, जो हमारे भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो ज्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं, बीज अच्छे हैं उनके पास, वो गेहूं का है, धान का है, या फिर सब्जियों का है, या सरसों का है, गन्ने का है, किसी जगह बीज अच्छा है, लेकिन वो उस तरह से ऐड नहीं कर पाते उस चीज। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर 1000 किसान हैं जुड़े हुए तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उनका पता होता है इतने एकड़ है उनको, जो उनकी फसल की इनपुट आई हम उसी हिसाब से उनको आउटपुट देते हैं।
सेल कैसे करते हो, इकट्ठा लेके जाते हो माल? अभी क्या है, जो कुछ किसान जैसे इकट्ठा कुछ मंडी में ले जाना हो तो ले जाते हैं, लेकिन मिल के अभी वो इतना काम नहीं हो रहा, हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे यहाँ पे मंडी है, वो शाम की है। हाँ। और आदर्श जो मंडी है वो सुबह की है, और हमारा किसान शुरू से ही आदत है उसको शाम की मंडी में बेचने की। सब्जी की बात कर रहे हो? सब्जी की। ठीक है। और जो धान गेहूं है वो हमारे, वो भी मंडी है धान गेहूं की। वो किसान डायरेक्ट, ज्यादा दूर है नहीं, 4 किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर के आसपास सबको पड़ती है। फसलें वो एमएसपी वाली फसलें वहीं बेच देते हैं, तो है नहीं कम ज्यादा। हाँ, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती। और रही बात वेजिटेबल की, अभी हमने पैक हाउस कोल्ड स्टोर लगाया और कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे उसको। वो जो हम अभी वहीं से आ रहे थे, कोल्ड स्टोरेज का प्लांट है सर, तो वो आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सीसीडीपी प्रोग्राम ने हमने वो किया है, एफपीओ की तरफ से। वो तो कितने कॉस्ट का तैयार हुआ है वो? अभी वो हमारा 13 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। 3 करोड़। हाँ, ठीक है। तो उसमें सारा पैकिंग और साथ में कोल्ड स्टोर है हमारे, टोटली है मतलब। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट पैक करके आप यहाँ से बेच सकते हो। हाँ, हम उसको लोकल मार्केट में भी उतार सकते हैं, हम उसको फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो हमें देखना है कि किस क्वालिटी का हमारे फार्मर्स तैयार कर रहे हैं और किस क्वालिटी का हम पैक कर पा रहे हैं और किस तरह से हम उसको। क्वालिटी भी आप यहीं चेक करोगे? क्वालिटी भी यहाँ पे चेक होगी, क्वालिटी लैब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लैब सेटअप हुआ है उसके लिए? लैब सेटअप, सब सेटअप मतलब इकट्ठा ही हुआ है। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी हो जाएगा। तो ये सर बताइए एक बार, कैसे मतलब इसमें आपने पूरा का पूरा लोन उठाया एफपीओ के नाम पे? कैसे इसमें लोन, जैसे 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसमें लोन गाइडलाइन में था कि लोन कराना है आपको 15-20%, लेकिन बैंक वाले हैं जो फार्मर के नाम से पिछड़ जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि छवि ऐसी बन गई है कुछ। अकेले फार्मर को तो नहीं देते? अकेले फार्मर को नहीं देते, एफपीओ को तो देना चाहिए। एग्री एग्री जो लैंड है उसके ऊपर लिमिट दे देते हैं, लेकिन वैसे नहीं देते बिजनेस के लिए। और अभी कुछ इतने फार्मर इकट्ठे होके करेंगे तो बोलते हैं कि दिक्कत आएगी, बीच में फार्मर निकल गए, घाटा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो दिक्कत। फिर दोबारा से गाइडलाइन तैयार की गई कि आप छोटा प्रोजेक्ट करके लगाओ 3 करोड़ के आसपास का, तो उसमें उस लोन की जरूरत नहीं। तो हमें अभी तक लोन नहीं कराया। अच्छा, आपने अपने उस पे ही करवाया? अपने उस पे ही, मतलब गवर्नमेंट की सहायता से और अपने शेयर से वो किया है। ठीक है जी। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि शेयर से किया है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कि सभी फार्मर्स का हिस्सा रहता है इसमें या एफपीओ के नाम पे ही होता होगा? ये एफपीओ के नाम पे होता है, सब फार्मरों का इसमें रहता है। ठीक है जी। वो ये एडवांटेज होगी फिर इसका, मतलब जो फार्मर अब फसल लगाए, वो सब्जी लगाई नहीं रहे, उनको तो इसमें बेनिफिट नहीं होगा? जो फार्मर्स जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे उनकी सब्जी आई या फ्रूट आया, उनका वो वैसे तो प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि उनको ज़्यादा दूर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके आसपास ही हो गया। फिर ऐसा हम प्रावधान करेंगे कि जैसे एक एरिया का एक फार्म पे, जैसे ये फार्म है, यहाँ पे 10-20 किसान सब्जी लगा रहे हैं, उनका एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, उनको ज़्यादा यहाँ से वैन आए पैक हाउस की, वहाँ उठा के ले जाए, उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ज़्यादा वो ना करना, फिर तो उसका ट्रांसपोर्ट बच गया। ऊपर से उनको मान ले जैसे प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सेदारी होगी, जैसे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी पहले, उसमें क्या था, जो प्रॉफिट होता था वो पूरे के पूरे शेयर होल्डर में बांट दिया जाता था। बिल्कुल, जैसे जैसे जिसका हिस्सा होता था, तो वैसे ही ये भी सिस्टम, ये भी वैसे ही काम करेगा। तो मतलब जो भी किसान है वो सब सब्जियां तो लगाते ही लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो कुल मिला के अच्छा चल रहा है एफपीओ, कोई दिक्कत नहीं है? और अपने यहाँ पे और कितने एफपीओ हैं आसपास? आसपास अभी एक कवार्तन है, मेरे कवार्तन है तो थोड़ा रनिंग में है, और सीवन वाला तो रनिंग में नहीं है, और बाकी तो मेरे हिसाब से अगर होगा तो मेरे को पता नहीं। अच्छा, चीका में है, कलायत में है, कुंडरी में भी है,